हम इस समय लखनऊ के बैडमिंटन एकेडमी में हैं। यहाँ पे सैयद मोदी बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और यहाँ पे देश के जाने माने दिग्गज खिलाड़ी अपने खेल का करतब दिखाएंगे। साइना नेहवाल आज यहाँ पर अपने रैकेट का दम दिखाएंगी। ऐसे में हमारे साथ शिवम जी हैं जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं और इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से लखनऊ बैडमिंटन की ट्रेनिंग को लेके उभर के सामने आया है और जो लोग बैडमिंटन सीखना चाहते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में, उनके लिए लखनऊ किस तरीके से लाभदायक है। लखनऊ सबसे बड़ी बात तो एक जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट हैं सर, उन्होंने ये एकेडमी बनवाई थी। ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे बेस्ट फिजियो, बेस्ट कोचेज, बेस्ट फैसिलिटीज़, जो भी खेलने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है बैडमिंटन के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो एक ये सेंटर होने से पहले, इसके पहले नहीं था कहीं पे भी ऐसा सेंटर, तो हम लोग को भी खेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी या बाकी जो प्लेयर्स हैं या बाहर से भी अगर खेलना चाह रहे हैं। बट ये सेंटर बनने के बाद आप ये मान सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे अच्छा सेंटर कोई भी नहीं है, और जिस तरीके की फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। ओवरऑल अगर लखनऊ की बात करें तो क्या माहौल देखने के लिए? ओवरऑल लखनऊ में अगर आप एकेडमी के अलावा बात करेंगे तो के डी सिंह बाबू स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, दो तीन और हैं। बट आपको एक प्रोफेशनली अगर इम्प्रूव करना है बैडमिंटन का, एज ए कैरियर बनाना है, तो जो सारी चीज़ें एक प्लेयर को चाहिए होती है खेलने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हाँ, खाना, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, फिजियो, कोचेस, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी। लगभग कितनी संख्या होगी बैडमिंटन खिलाड़ियों की जो लखनऊ में रह कर ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने कैरियर को जो है नई ऊंचाई पर ले जाने के सपने देख रहे हैं? इस एकेडमी में जो हॉस्टलर्स हैं करीब 40-50 हैं, बाकी बाहर से भी बच्चे आते तो आप 70-80 बच्चे तो हैं जो प्रोफेशनली खेलना चाह रहे हैं आगे बढ़ना। अगर हम देश में बात करें तो लखनऊ के खिलाड़ियों का क्या स्थान रह रहा होगा, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं लखनऊ के? तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लखनऊ के खिलाड़ी। अभी अंडर 15 में हमारी अकेडमी के पास बच्चे क्या थे, सीनियर्स में सिंगल शर्मा इंडिया, श्रुति मुंदा का इंडिया, अंपायर जॉर्ज विल्फ्रेड इंडिया, सर्विस जज रवि कुमार दीक्षित इंडिया। जैसा कि अभी लखनऊ के इस बैडमिंटन एकेडमी में सैयद मोदी चैंपियनशिप खेली जा रही है, वहीं लखनऊ एक ट्रेनिंग बैडमिंटन ट्रेनिंग के लिए उभर के सामने आया है। लोग यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और बैडमिंटन के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।